इस वीडियो में हम एग्जांपल 3 को सॉल्व करेंगे जो कि है चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर 6 फ्रॉम क्लास 9th। इसमें ये फिगर गिवन दी हुई है और हमें ये सॉल्व करना है। ये जो ओपी रेज हैं, चार रेज यहाँ पे दिखाई गई हैं, ओपी ओक्यू ओआर ओएस, ठीक है। और हमें ये प्रूव करना है कि ये सारे चार जो एंगल बन रहे हैं वो 360 के बराबर हैं, ठीक है। तो मैंने एक सपोजिशन लिया है। देखिए, मैथ्स में तरीके बहुत सारे होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, मगर तरीके गलत नहीं होने चाहिए। अगर गलत हो जाएंगे तो फिर बात बिगड़ सकती है और क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। इसी वजह से अब मैं क्या करता हूँ कि जो रे है ओ क्यू, इसको मैंने इधर की तरफ एक्सटेंड कर दिया है और इसको मैंने नाम दे दिया है टी, ठीक है। अब अगर मैं देखूं ये क्या है, इसी लाइन को, ये जो रे है इसको मैंने इधर की तरफ एक्सटेंड किया है तो ये एक लाइन बन गया है, ठीक है। अगर मैं देखूं यहाँ पे एक एंगल ये है 1 और एक एंगल ये है 2 और बाकी के एंगल को भी मैं डिफाइन कर देता हूँ 3, 4, 5, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं देखूं एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों का सम जो है वो 180 के बराबर है, ठीक है। और ऐसा तभी होता है जब दो एंगल मिलकर 180 यानी एक लाइन बनाते हैं तो 180 हो जाते हैं, जिसको हम लीनियर पेयर कहते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन 1। इसके बाद ये तीनों एंगल भी मिलकर क्या बना रहे हैं, लाइन बना रहे हैं एक, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये तीनों मिलकर एक लाइन बना रहे हैं जिसको मैं लीनियर पेयर कहूंगा। अब इन दोनों इक्वेशन के बाद अगर मैं ऐड कर दूं इन दोनों इक्वेशन को, ठीक है, यानी ऐड कैसे करते हैं इक्वेशन को, ये जो इक्वल के इधर की तरफ है, जो जितने भी नंबर्स होते हैं या जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको लेफ्ट को लेफ्ट की तरफ ही ऐड किया जाता है, राइट को राइट की तरफ ऐड किया जाता है। तो इस तरीके से एंगल 1 प्लस 2 इस इक्वेशन में लेफ्ट की तरफ है, प्लस इस इक्वेशन में यानी इक्वेशन 2 के अंदर ये भी लेफ्ट ही साइड है, तो ये भी एक साथ ही ऐड किए जाएंगे। और ये राइट साइड में जो 180 है इक्वेशन 1 से प्लस इक्वेशन 2 से। अब मैं अगर देखूं ये जो इक्वेशन 1 है और ये जो इक्वेशन 5 है, ये दोनों मिलकर पी ओ एस बना रहे हैं, पी ओ एस, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 5 यानी इनको मैं एक तरफ लिख देता हूँ और ब्रैकेट लगा देता हूँ। इसके अलावा ये जो पी ओ क्यू है वो एंगल 2 के बराबर है, तो इसको मैं हैंड टू हैंड रिप्लेस कर देता हूँ पी ओ क्यू। और ये जो एंगल 3 है वो क्यू ओ आर के बराबर है, और एंगल 4 जो है वो एस ओ आर के बराबर है, और एंगल इसके अलावा बचा नहीं, इक्वल टू 180 प्लस 180 360। अब ये जो एंगल 1 और एंगल 5 मैंने एक साथ लिखे हैं, ये किसके बराबर है, यहां दिख रहा है एस ओ पी के बराबर है, ठीक है, या फिर पी ओ एस पी लिख सकते हैं। तो यहां पे पी ओ एस प्लस पी ओ क्यू प्लस क्यू ओ आर प्लस एस ओ आर इक्वल टू 360, यही हमें प्रूफ करना था, इन सब का समीशन हमें 360 दिखाना था, हेंस प्रूव्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज। अब हम नेक्स्ट अगली वीडियो से हम एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे।